दरअसल जम्मू कश्मीर के कुलगाम के रहने वाले शोएब मोहम्मद ने साल 2016 में दून के एक इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग के लिए दाखिला लिया। करीब दो साल तक पढ़ाई की। शोएब इसी साल फरवरी महीने में अपने घर गया। कुछ दिन घर पर रहने के बाद शोएब वापस देहरादून के लिए निकला और इसके बाद वो कहां गया किसी को भी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं। हालांकि पुलिस अब मामले की गंभीरता को देखते हुए समझते हुए इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी है। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के एक नामी इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करने वाले छात्र के अचानक गायब होने और फिर उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे, उससे मिलती जुलती एक तस्वीर सोशल मीडिया पे आतंकी के रूप में वायरल होने के बाद खुफिया तंत्र के कान खड़े हो गए हैं। जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है वो ये है कि ये छात्र मूल रूप से जम्मू कश्मीर का रहने वाला था और बीते फरवरी माह में वो अपने घर को गया था और घर से वो यही बता के निकला था कि वह देहरादून पढ़ाई के लिए जा रहा है। लेकिन जब वो देहरादून भी नहीं पहुंचा उसके बाद घर वालों ने इसकी जानकारी वहां के लोकल पुलिस को दी, जहां गुमशुदगी दर्ज करने के बाद लोकल पुलिस ने, जम्मू कश्मीर की लोकल पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस से बात की। उत्तराखंड पुलिस हालांकि अभी साफ तौर पे कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि जिस इंस्टीट्यूट में ये छात्र पढ़ता था और जो तस्वीर वायरल हुई है, जब इन दोनों का मिलान किया गया है तो वो हूबहू उस शख्स से मिलती हुई नजर आ रही है जिसे आतंकी बताया जा रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि पुलिस वास्तव में क्या ये पता कर पाती है कि ये वही छात्र है जो आतंकी बना है या ये फेक तस्वीर है। कैमरामैन विभू कांडपाल के साथ में मयंक राय, जी मीडिया, देहरादून। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मयंक जुड़े हैं। मयंक, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बता रहे थे कि आप बच्चों से भी मुलाकात करते हुए नजर आए, तो क्या कोई ऐसा शक जाहिर किया गया या कोई ऐसी हरकत का जिक्र किया गया बच्चों की तरफ से? जांच अपनी जगह पुलिस की चल रही है जिसमें यह हो रहा हो कि कम से कम उस ओर प्रभावित था, कुछ ऐसा इनपुट हॉस्टल की तरफ से या दोस्तों की तरफ से? देखिए, इस पूरे मामले पे जो इंस्टीट्यूट है वो तो कुछ भी कहने से बच रहा है, लेकिन एक जानकारी, एक अपडेट मैं जी मीडिया के जो लाखों करोड़ों दर्शक उनको जरूर देना चाहूंगा कि इस मामले में जो ये इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो IMA है उससे काफी पास में है। तो IMA से जुड़े कुछ लोग थाने गए थे, उन्होंने भी इसकी जानकारी लेनी चाहिए है कि इससे पहले एक जानकारी दे दूं कि आपको याद होगा 2017 में एक छात्र ऐसे ही लापता हुआ था, दानिश, जो बाद में बुरहान बानी के साथ एक आतंकी की शव यात्रा, जो उनका जनाजा निकलता है उसमें देखा गया था। हालांकि बाद में दानिश ने सरेंडर कर दिया था। तो इस तरह का ये एक दूसरा मामला सामने आ रहा है। अगर जो तस्वीर वायरल हो रही है उस पर तस्वीर पे जो नाम पता लिखा हुआ है, पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, वही एड्रेस जो ये इंस्टीट्यूट है उसके जो डॉक्यूमेंट है उसमें दर्ज है, यानी कहीं ना कहीं जो एड्रेस है वो तो वेरीफाई हो रहा है। और पुलिस के जो इस मामले में जिन लोगों ने शुरुआती तौर पे जांच की, उन लोगों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये ऑफ द रिकॉर्ड कहा है, ऑन द कैमरा कोई कहने को तैयार नहीं है कि हाँ ये तस्वीर उसी शख्स की है। लेकिन जिस तरह से ADG भी इस बात की उम्मीद जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन पुलिस जो फोटो है उसको वेरीफाई करने के बाद ही पुलिस कुछ आगे कर पाएगी। दूसरी बात यह कि जो कुलगाम का ये रहने वाला छात्र बताया जा रहा है, मोहम्मद शोएब लोन, कुलगाम से जो पुलिस यहाँ आई थी वेरीफाई करने के लिए, उसने जब यहाँ के लोकल पुलिस से बात की थी उस वक्त भी ये स्पष्ट हो गया था कि ये वही छात्र है जो यहाँ पढ़ाई कर रहा था। लेकिन तमाम जो चीजें हैं अभी पुलिस कुछ भी स्पष्ट नहीं कह पा रही है। और दूसरी सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये छात्र इंजीनियरिंग का छात्र है जो BSc IT कर रहा था, पढ़ा लिखा लड़का है, महज 21 साल की उम्र है और 2 साल पहले यहाँ पे आया था। 21 साल की उम्र में अगर ये लापता हुआ है, ना घर पे है ना इंस्टीट्यूट में है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं। और ये सबसे बड़ी बात यही है कि पुलिस इन सवालों पे से पर्दा कैसे उठाती है। निश्चित तौर पर पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके पूरे मामले को वेरीफाई करेगी, ये देखना होगा। जी निश्चित तौर पर। और प्रदेश की सुरक्षा के साथ साथ देश की सुरक्षा और युवाओं के आतंकवाद को लेकर, बढ़ते रुझान को लेकर भी चिंता है, क्योंकि अपने आप में ये दूसरा ऐसा मामला है। लगातार इस खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे मयंक, लेकिन फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।